Hello everyone, welcome to AntaraSquad. Happy New Year to one and all present here. Now, just to let you know कि बहुत सारे लोग जो है UGC NET exam उन लोगों ने pass किया है, they got NET, they got JRF. But एक question बहुत ही उन लोगों को सताती है ये कि ma'am rank कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपको JRF मिली है, but you want to know कि आपका rank क्या है. So this is the perfect video for that. मैं आप लोगों को इस video में बताने वाली हूँ कि रैंक आप कैसे निकाल सकते हैं. सो देयर इज अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला फॉर दैट. आप सिर्फ उसको फॉलो करेंगे और आपको अपना रैंक मिल जाएगा. नाउ टू दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम है अंतरा चक्रवर्ती. मैं UGC-NTA नेट सोशियोलॉजी पेपर पढ़ाती हूँ अन अकेडमी पे. ओके, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू अंतरा स्क्वाड, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज डालती रहती हूँ रिलेटेड टू UGC नेट सोशियोलॉजी रिसर्च एंड सो ऑन. सो लेट अस नाउ गो अहेड एंड लुक फॉर मोर कॉन्टेंट. सो टू दोज ऑफ यू हु हैव नॉट फॉलोड मी येट अन अकेडमी पे, मेरा प्रोफाइल आप लोग जरूर फॉलो करें जिसका नाम है अंतरा चक्रवर्ती. टेलीग्राम पे मेरा चैनल जरूर फॉलो करें, दैट इज @ अंतरा चक, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारे अपडेट्स जॉब अलर्ट्स डालती रहती हूँ. यूट्यूब पे अंतरा स्क्वाड जो कि मेरा चैनल है, और दूसरा है अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री नॉलेज फ्री वीडियोज मिलेगी रिलेटेड टू बोथ पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ योर सब्जेक्ट्स. सो उसका नाम है अन अकेडमी लाइफ -NTA UGC NET. सो इसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे. ओके, सो काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैम अन अकेडमी प्लस क्यों ज्वाइन करें. प्लस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिनिमल एक फीस देनी होती है. सो इस फीस के हिसाब से आपको पेपर वन पेपर टू दोनों मिलेगी. फीस बहुत ही मिनिमल होती है कंपेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स, और आप जो है एजुकेटर्स के कॉन्टेंट पे फुल्ली रिलाई कर सकते हैं. आपको दूसरा किताबें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. आपको क्या क्या चीजें मिलेगी जल्दी से देख लेते हैं. रीडिंग मटेरियल्स, पीडीएफ्स ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, हर हफ्ते एमसीक्यू सॉल्व करने का मौका, मॉक टेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्रिपरेशन फॉर बोथ द पेपर्स. जो आप अमाउंट पे करोगे उससे आपको दोनों पेपर्स की नॉलेज मिलेगी. मेरी लाइव क्लासेस हर रोज 3:30 और 7 PM को होगी, और फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे 10 बजे, 12 बजे और 5:30 बजे अलग अलग दिनों में होती है. उसके बारे में मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देती हूँ. सो वाइल यू सब्सक्राइब देर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड रेफरल कोड, जिसपे अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी. सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड. नाउ लेट अस गो अहेड. सो जो हमारा रैंक है उसके लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होंगी. नंबर वन इज परसेंटाइल. परसेंटाइल ये शब्द आप लोगों ने अपने स्कोर कार्ड में देखा होगा. आपका जब भी नेट का स्कोर कार्ड आता है नीचे राइट हैंड साइड पे एक परसेंटाइल बोल के एक कैटेगरी होती है. दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर इन द सब्जेक्ट. जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि कितने स्टूडेंट्स ने आपका सब्जेक्ट अपियर किया था. सो ये दो चीज हमें चाहिए, उसके बाद हम लोग रैंक निकाल सकते हैं. विदाउट दीज टू थिंग्स आप नहीं कर सकते. मान लीजिए आपके पास अपना स्कोर कार्ड नहीं है, या फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपियर किया था ये एग्जाम, या फिर परसेंटाइल नहीं पता, तो हम रैंक नहीं निकाल सकते. सो दिस इज द फॉर्मूला, आप लोग लिख लीजिए. R इज इक्वल टू रैंक इज इक्वल टू N, मतलब जितने लोगों ने अपियर किया है, माइनस परसेंटाइल इंटू N डिवाइडेड बाई 100. तो अभी हम लोग एक सैंपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल स्कोर कार्ड लिया है जहां पर मैंने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी उठाया है, और ये वाला नंबर आप लोग यूज मत करो, अपियर्ड वाला यूज करो. इसलिए मैंने सर्कल किया है यहाँ पे. ओके, कि कितने स्टूडेंट्स फाइनली ने एग्जाम दिया था उन दिन, उस दिन में. ठीक है, सो अपियर्ड इज आर एन, और यहां पर आपको परसेंटाइल मिलेगा जो कि हमारा पी वैल्यू है. तो अगर आपको टोटल आप अपना रैंक निकालना है कि टोटल रिजल्ट के हिसाब से आपका कितना आया रैंक, तो आप ये वाला परसेंटाइल यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जानना है कि अपने सब्जेक्ट में, मान लीजिए सोशियोलॉजी में आपका रैंक कितना है, तो आप ये वाला परसेंटाइल यूज कर सकते हैं. या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के बीच पेपर वन में सबसे ज्यादा, या फिर मेरा स्कोर कितना है वगैरह, तो आप ये वाला परसेंटाइल यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला. अलग अलग तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देती हूँ. सो मैंने क्या किया है रैंक निकालने के लिए, सिर्फ पेपर टू, दैट इज सोशियोलॉजी का जो परसेंटाइल हमें अभी दिखा था वो वाला मैंने लिया है. ठीक है,
सो रैंक निकालने के लिए कितने बच्चे अपियर हुए थे, इतना नंबर मैंने लिया माइनस ये जो हमारा परसेंटाइल है इनटू फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर और डिवाइडेड बाय 100. तो ये करने के बाद मेरा वैल्यू आ रहा है 1.9. तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट नियरेस्ट डिजिट जो है हमारा, तो 1.9 का नियरेस्ट डिजिट क्या हो जाता है, 2. तो अभी आपको ये पता चल गया कि सोशियोलॉजी के पेपर में आपका रैंक 2 है. तो उसी हिसाब से अगर आपको टोटल भी निकालना है तो आप ये वाला परसेंटाइल यूज करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे उस परसेंटाइल की जगह पे ये, ठीक है. वो डालने के बाद आपको टोटल आपका जो रैंक है वो भी निकल आएगा. सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया है. सो जिन लोगों को JRF मिला है या नेट मिला है प्लीज़ आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या रैंक आया क्या नहीं. ओके सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. एंड या माई फुल कोर्स ऑन सोशियोलॉजी इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, दैट इज 6th January, एंड आई विल कम्प्लीट द होल सिलेबस बाय मार्च. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब टू इट नाउ. ओके बाय बाय, सी यू अगेन.